4.1 है ना, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7/2, 7 का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें दे रखा है आपका डिटरमिनेंट ऑफ 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू एक्स टू एक्स, एक्स टू एक्स और 3 and 5। आपको निकालनी है बेटा वैल्यू ऑफ x, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां से क्या निकालना है आपको, वैल्यू ऑफ x, ठीक है। चलो देखो इसको सॉल्व करो, 2 by 2 का है, 5 2 10 -12 is equal to 5x minus में 6x, 6x यहां से सॉल्व करोगे तो ये -x और -2, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2, ये आंसर है, x की वैल्यू 2 आंसर, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक, लिख लो इसको। और कौन सा इसमें बता दूं आपको, बस 8 पे बता दूं, कुछ बता दीजिए, वैसे कर लिया, कर लिया था, हाँ। तो बस x की वैल्यू निकाल लीजिए, बाकी तीसरा और चौथा इसका हो गया ना, तीसरा भी हो गया, चौथा भी कर लिया, अच्छा ये आपके बाबू मेरी बात, ठीक है कोई नहीं, चेक कर लेंगे बाद में। अब देखो प्रॉपर्टी बता रहे थे ना, प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन करवा रहे थे। चलो 4.2 पे आपका पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल मैंने करवा दिया था कल ना, मैक्सिमम एग्जाम्पल तो हो गए होंगे, जैसे 11 इंपॉर्टेंट है, एक 15 एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं करवा देता हूँ, और आपका 14 तो मैंने करवा दिया, 15 देखो तो एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 आपका है, आपको दिया है कि f is x y z are different, then delta is equal to, determinant is equal to x x square 1 plus x cube, y square 1 plus y cube, z square 1 plus z cube, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट ये इज इक्वल टू जीरो आपको गिवन है, कह रहा है देन प्रूफ दैट, सो दैट जो भी दिया हुआ है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, जीरो, ठीक है। ये प्रूफ करना है आपको, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको गिवन है। चलो अब देखो, जब भी मैंने कहा था इस टाइप का आपका अलग, तो दो में ब्रेक कर लो, दो डिटरमिनेंट में अलग, तो ब्रेक करो साथ में करते चलो, एक्स एक्स स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1 और z स्क्वायर और आपका 1, यहाँ पे प्लस में क्या आएगा बेटा आपके पास, x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है। दूसरा क्या आएगा हमारे पास, y स्क्वायर एंड y क्यूब, तीसरा आएगा हमारे पास z स्क्वायर एंड z क्यूब, ठीक है। सेकेंड वाले डिटरमिनेंट में देखो हर जगह से x y z आपका कॉमन है, तो हम उसको कॉमन करेंगे, टेकिंग कॉमन x y z फ्रॉम R1, R2 and R3 रो, ठीक है। जब कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या बेटा, x y z x square y square z square 1 1 1, प्लस यहां से अगर कॉमन करेंगे तो हमें x y z कॉमन हो जाएगा और हमारे पास बचेगा यहां पे 1 1 1, ये x y z और ये हमारा बच जाएगा x square y square और z square, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ये हमारा जेड स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसके आगे करेंगे क्या करेंगे, देखो अब देखो ये दोनों हमारे सेम है, लेकिन बात यहां पे ये है कि इनके कॉलम क्या है, अरेंजमेंट में नहीं है, जो यहां पे वो यहां पे नहीं है, इसके कॉलम को हम अरेंज करेंगे, ठीक है। जब इसके कॉलम को अरेंज करेंगे तो हम कॉन्सिक्यूटिव दो बार इसके कॉलम को चेंज करेंगे, देखो एक बार इसको यहां पे लाएंगे फिर एक बार इसको यहां पे लाएंगे, ठीक है ना। यहां पे हम चेंज करने चल रहे, देखो C2
गोज टू सी थ्री, ठीक है, सी टू गोज टू सी थ्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, एक्स वाई जेड, यहाँ पे आपका वन 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 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। लेकिन आपको पता है एक बार इंटरचेंज करने के बाद ये डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस में हो जाती है, ठीक, एक बार इंटरचेंज करने के बाद मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, प्लस एक्स वाई जेड इसको एडिटिव लिखते हैं बेटा, वन 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 एक्स वाई जेड और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे जेड स्क्वायर, यही तो होगा, बोलो। अब देखो एक बार और अरेंज करेंगे तो फिर माइनस हो गई, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये भी काम कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो इसको हम लिख रहे हैं माइनस वन की पावर टू, तो मैं पॉजिटिव कर दे रहा हूँ डायरेक्ट इसको, तो यहाँ पे एक बार और कर रहा हूँ कि सी टू गोज टू सेवन, तो क्या हो जाएगा देखो, वन वाई और जेड सॉरी वन 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 हो गया, वन 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 एक्स वाई जेड और यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, प्लस यहाँ पे होगा बेटा इसको एडिटिव लिखो एक्स वाई जेड, यहाँ पे आप लिखोगे वन वन वन, ये हमारा एक्स वाई और जेड, ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक, याद क्लियर हुआ। अब देखो दोनों डिटरमिनेंट हमारे सेम हो गए, जब आपके डिटरमिनेंट सेम हो गए तो हम उन दोनों डिटरमिनेंट को क्या कर लेंगे, इक्वल, और एक बात रखना है कि पूरी वैल्यू जीरो के बराबर है, ये करते चलना आप लोग। यहाँ पे देखो इन दोनों में अगर कॉमन करेंगे तो ये बचेगा वन प्लस एक्स वाई जेड और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास वन 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 एक्स वाई जेड और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ये हमारे पास बचा और ये इज इक्वल टू हमारे किसके बराबर बेटा, जीरो के, क्लियर। अब देखो यहां तक तो ये पता चल गया, ये तो इसके बराबर जीरो हो सकता है लेकिन ये भी तो जीरो हो सकता है, तो हमें इसको किसी भी तरह करके सॉल्व करके ये दिखाना है ये जीरो के बराबर है कि नहीं, या तो फिर इसकी वैल्यू वन होनी चाहिए तब जीरो के बराबर होगा, या तो कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू हो तब जीरो के बराबर होगा, तो यानी इसको भी हमें सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमने कहा था कभी भी डिटरमिनेंट में अगर आपके पास थ्री वन आ जाए तो दो को जीरो बना लेते, यही तो बोला था। चलो देखो अब इसको हटाते हैं यहाँ पे, अब हमें लास्ट से मतलब है, देखो अगर लास्ट वाला मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो यहाँ पे लिखूंगा वन प्लस एक्स वाई जेड, दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटरचेंज, यहाँ पे लिख रहा हूँ आर टू गोज टू आर टू माइनस में आर वन और आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस में आर वन, मैंने दो बार एक साथ इंटरचेंज कर दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आर वन को मैंने कॉन्स्टेंट रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं आर थ्री माइनस आर टू कर दो, गलत हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे होगा वन एक्स और ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका होगा जीरो, आर टू में से आर वन सबट्रैक्ट करो तो ये वाई माइनस एक्स होगा, वाई माइनस एक्स और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, क्लियर। दूसरा आप सबट्रैक्ट करो तो बेटा तो आपको जीरो, यहाँ पे मिलेगा जेड माइनस एक्स और यहाँ पे मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलो अब देखो अगर मैं यहां से कॉमन करूं तो आप देखो क्या कॉमन होगा यहाँ पे, वन प्लस एक्स वाई जेड ये जीरो के बराबर है, इसको आप लिख के चलो मैं नहीं लिख रहा हूं। देखो यहाँ पे आप वाई माइनस एक्स कॉमन कर सकते हो और यहाँ पे जेड माइनस एक्स कॉमन कर सकते हो, जब यहाँ पे वाई माइनस एक्स कॉमन करोगे बेटा और आप जेड माइनस एक्स कॉमन करोगे तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी ये आएगी वन जीरो जीरो, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वन और यहाँ पे वन, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई प्लस एक्स और यहाँ पे आएगा जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास जीरो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब देखो अब यहाँ पे फिर हमें दो वन मिल गए, इसको भी जीरो बना लेते हैं इस टू वन को, अब क्या इंटरचेंज कर देंगे कि R2 goes to R2 minus में R3, R2 goes to R2 minus में R3, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो इसको सॉल्व करें कितना मिलेगा, वन प्लस एक्स वाई जेड और यहां पे लिखेंगे y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स
और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो हमारे पास ये वन, ये एक्स, ये एक्स स्क्वायर, ये जीरो, ये भी कितना होगा जीरो। अब वाई प्लस जेड माइनस में जेड प्लस एक्स करोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा बेटा वाई माइनस एक्स, कितना मिलेगा हमें वाई माइनस एक्स। क्लियर, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? सॉरी यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे वाई प्लस एक्स होगा और यहाँ पे जेड, क्योंकि ये वाई प्लस एक्स बचेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स, और यहाँ पे जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, मैंने कॉमन के लिए प्लस बचेगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे वाई माइनस जेड बचेगा। भाई यहाँ पे वाई प्लस एक्स बचेगा, यहाँ पे जेड प्लस एक्स बचेगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वाई माइनस जेड बचेगा, ये आपका जीरो वन, और ये कितना मिला हमारा जेड प्लस एक्स इक्वल टू कितना मिल गया बेटा जीरो। कोई बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? अब देखो यहाँ से फिर वाई जेड में कॉमन कर रहा हूँ, सेकंड वाले रो से हम वाई जेड कॉमन कर रहे हैं, वाई माइनस जेड, तो कितना मिल जाएगा हमें एक्स वाई जेड, और यहाँ पे वाई माइनस एक्स, यहाँ पे जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे वाई माइनस जेड में कॉमन कर लिया इससे, तो बच्चा क्या हमारे पास वन जीरो जीरो एक्स, एक्स जीरो वन, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वन, और यहाँ पे हमारा बच गया बेटा जेड प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि इससे ज्यादा हम सिंपल नहीं कर सकते, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बेटा हमारे पास मिलेगा क्या, देखो एक्सपेंड करेंगे तो हम क्या करते हैं कि सेकेंड रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड रो में आपके मैक्सिमम जीरो है, या फिर आप फर्स्ट कॉलम में भी कर सकते हो, मैक्सिमम जीरो दो है हमारे पास, तो फर्स्ट कॉलम से ही कर देते हैं। तो देखो वन प्लस एक्स वाई जेड आपको मिला कितना है, यहाँ पे वाई माइनस एक्स, यहाँ पे मिला जेड माइनस एक्स, और आपको मिल गया बेटा वाई माइनस जेड। अब देखो अगर आप फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो ये रो जाएगा, ये कॉलम रहेगा, जीरो इंटू दिस करोगे आपको मिलेगा कितना बेटा जीरो, जीरो इंटू जेड प्लस एक्स जीरो, और वन इंटू माइनस करोगे तो आपको मिलेगा माइनस वन, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा ये जीरो के। यानी अब हमारा पूरा सिस्टम ही डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया। जब हमारा डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया बेटा अब क्या करेंगे आगे देखना, इसको सिंपल करते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है y माइनस एक्स, इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये होगा वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, सही है आपका। तो जब इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो हमें मिल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये मिल गया x माइनस वाई, ये z माइनस एक्स, और ये हमारा मिल गया y माइनस जेड इक्वल टू जीरो, ये तो मिला। अब देखो आपको पता है ये सब आपके अलग अलग जीरो होंगे, यहाँ पे तीन चार प्रॉपर्टी बनती है, पहला कि ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, ये तो प्रूफ करना था, लेकिन पंगा आ रहा है इसको भी वेरिएबल है, ये भी हमारे होने चाहिए, तो ये भी अलग अलग जीरो होंगे, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू जीरो होगा, z माइनस एक्स इक्वल टू जीरो होगा, और y माइनस जेड इक्वल टू जीरो होगा। अब यहां से ये मिल गया कि x इक्वल टू y, z इक्वल टू x, और y इक्वल टू z, और इन तीनों इक्वेशन से, इन तीनों कंबाइंड इक्वेशन से ये मिल गया आपको कि x इक्वल टू y इक्वल टू z, यहां से ये मिल गया x इक्वल टू y इक्वल टू z, तीनों से मिल गया। अगर बताओ ये तीनों इक्वल हो गए तो क्या यहाँ पे x y z बराबर होगा, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास x क्यूब, और ये कभी जीरो के बराबर तो होगा नहीं, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये आपके जीरो के बराबर नहीं होंगे, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब ये आपके जीरो के बराबर नहीं होंगे। तो यहां पे ये कंडीशन आपको देनी पड़ेगी कि हियर ऑल द टर्म x y z आर इक्वल, देयरफॉर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस x क्यूब इक्वल टू 0, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ देयर, यानी यहां पे गिवन है आपका, तो दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज नेवर बी 0, यानी ये तीनों वैल्यू आपकी 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन यहीं पे आपका ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये वाली चीज, ठीक, तो लिख लो इस चीज को, बाकी आगे करवाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल। हो गया, चलो आगे देखो।
अगला क्वेश्चन, अब बुक पे आते हैं हम लोग, एक्सरसाइज क्वेश्चन पे 4.2 पे जो भी आपके क्वेश्चन है उसको हम करवाते हैं, ठीक है। 4.2 का आपका पहला क्वेश्चन है, तो पहला तो सिंपल है आपका कि आपको दिया है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, यही गिवन है। अगर आप इसको अलग अलग कर दोगे तो आपके कोई दो रो और दो आइडेंटिकल या फिर दो कॉलम या फिर दो रो आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो जीरो आ जाएगा, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। तो पहले में तो आपको केवल बस अलग अलग करना है इसको, मतलब ऐसे लिख देना है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड प्लस में दूसरा आपको लिखना है एक्स वाई जेड ए बी सी और आपका ए बी सी। देखो इसमें दो कॉलम आइडेंटिकल हुए थे जीरो, और ये भी आपके दो कॉलम आइडेंटिकल हुए थे जीरो, बराबर है कितनी आ गई जीरो, ठीक है, ये प्रूफ करना है। दूसरा आपको दे रखा है ए माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए समथिंग। जब भी आपको एक ही टर्म बार बार दिया जाए तो आप क्या करो कि आर वन आर टू प्लस आर थ्री को रिप्लेस कर दो। देखो आपको दिया है ए माइनस बी, बी माइनस सी और आपको सी माइनस ए गिवन है, फिर क्या गिवन है आपको बी माइनस सी, सी माइनस ए और आपको ए माइनस बी, फिर आपको गिवन है सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस सी इक्वल टू आपको जीरो प्रूफ करना है। तो आप क्या कर दो यहाँ पे ए बी सी हर जगह रिपीट हो रहा है, जब ए बी सी आपको रिपीट हो रहा है तो आप क्या कर दो आर वन गोज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर दो। आप देखोगे कि आपका फर्स्ट रो जीरो हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही लिख दो आप। तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो, फर्स्ट रो आपके जीरो हो गए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है आपकी जीरो, क्लियर। ये पहला हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंट है। थर्ड में क्या किया गया केवल आपको ये चीज समझनी है, बाकी आपके आसान है। देखो आपको लिखना है टू टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन, उसके बाद आपको दिया है बेटा 65, 75, 65, 75 और आपको 86, ये आपको जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तो देखो इसमें क्या करना होता है, या तो पहले क्या काम करो कि C3 में से C2 को सेपरेट कर लो। देखो यहाँ पे C3 goes to C3 minus C1, C3 minus C1, तो क्या मिलेगा हमें 2, 3, 5, ये मिल गया 7, 8, 9, यहाँ पे मिल गया 63, 72 और आपके पास 81, ये मिलेगा। अब देखो इस कॉलम में से 9 कॉमन कर सकते हो, 81, 86 minus 5, मैंने C3 में से C1 को सबट्रैक्ट किया है, तो ये 81 हो गया, इस कॉलम में से 9 कॉमन कर सकते हो, देखो 9 कॉमन करोगे, अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन कर लूँ, taking common 9 from C3, ठीक है ना, जब कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2, 3, 5 और ये मिलेगा 7, 8, 9 और यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा 7, 8, 9, दो रो आइडेंटिकल हुए इसलिए क्या हो गया वैल्यू जीरो, क्लियर। चलो बाकी इसके बाद जो क्वेश्चन है आपको घर पे ट्राई करने हैं, ठीक है ना, इसके बाद दो इसमें छोड़ रहा हूं, ठीक, तो आपको ये कॉमन करके लगाने हैं आपको। चलो अब देखो आपको घर पे जो करना है चौथा और पांचवा, ठीक है, पांचवे में तो अलग अलग करना है, चौथा आपको घर पे आपको दो तीन वन दे रखे हैं, दो को जीरो बना लो आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो, हाँ सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें आपको दिया है जीरो ए माइनस बी, ये माइनस ए जीरो और माइनस सी और आपको बी सी और जीरो गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि जीरो के बराबर है। देखो यहां पे ये हमारा, अगर आपके डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चल भाई अगर ये है तो क्या हम इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, तो आप ट्रांसपोज जब निकालोगे इसका तो क्या होगा हमारे पास जीरो ए माइनस बी, इसका निकालोगे कितना मिलेगा माइनस ए जीरो माइनस सी, ये बी सी और जीरो, क्लियर।
और हमने बताया कि अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? चेंज नहीं होती, जो पहले थी वही अब भी है। तो अगर नहीं आप कर पाए तो इसमें से माइनस कॉमन कर लो। जब माइनस कॉमन करो तो बेटा ये मिल जाएगा जीरो ए माइनस बी, ये माइनस ए जीरो और ये माइनस सी और ये बी सी और ये जीरो मिल गया। ये देखो पहली डिटरमिनेंट आ गई, जो यहाँ पे थी वही यहाँ पे है। तो इसकी वैल्यू तो हमें क्या गिवन थी? जीरो। तो क्या यहाँ पे जीरो रख सकते हैं? तो माइनस वन इंटू में जीरो करोगे इसके ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई हमारे? जीरो। प्रूव हो गया आपका, ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर सातवां आप लोग घर पे ही करोगे, ठीक है, लिख लो इसको सातवां। आठवां भी आपका सिंपल है, आठवां नवां दसवां दसवां ग्यारहवें तक तो आपका सिंपल है, ठीक है ना, बाकी मैं करवा रहा हूं। हो गया, लिख लो इसको बेटा। ये प्रॉपर्टीज पे आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं तो आपको करना ही करना है, ठीक है, हो गया। चलो अब देखो सातवां आपको घर पे करना है, क्वेश्चन नंबर आठवां, आठवां एक बता रहा हूं, तो बाकी सब के सब आपको करने हैं एज इट इज, ठीक है। देखो आठवें मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि डिटरमिनेंट पे अगर कभी भी आपको थ्री वन दिख जाए, थ्री वन दिख जाए तो हमेशा दो को जीरो बना लो, ए बी सी और आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर गिवेन है। और आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ जरूर देख के चलो, आपको प्रूफ करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये आपको प्रूफ करना है। अब देख बेटा यहाँ पे देखो कि हमें बनाना है दो को तो जीरो बनाना ही बनाना है, लेकिन a माइनस बी कैसे मिलेगा? तो आप कहोगे r1 में से r2 को सबट्रैक्ट कर दे या फिर r2 में से r1 को सबट्रैक्ट कर दे, तब भी मिल जाएगा। b माइनस सी कब मिलेगा बेटा? जब r2 को r3 में से सबट्रैक्ट करेंगे, यही तो मिलेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको रोक रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं r1 goes to r1 माइनस में r2। दूसरा देखो ये तो हमारा कॉन्स्टेंट, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। आर थ्री में लिख रहा हूं बेटा R3 माइनस में R2, क्लियर, क्योंकि मैं एक को कांस्टेंट रखा हूं। जब इसको मैं कांस्टेंट रखूंगा तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये A माइनस B मिल जाएगा और ये हमारा मिल जाएगा A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, क्योंकि मैं इस प्रूफ को देख के चल रहा हूं। ये जो एज इट इज है आपके पास A B और ये B स्क्वायर, यहां पे करेगा जीरो, ये मिल जाएगा हमारा देखो C माइनस A, c माइनस ए और c स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, सॉरी c स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, c माइनस b और c स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यही तो है, बोलो। तो देखो बेटा यहां से a माइनस b कॉमन होगा पहले रो से और तीसरे रो से हमारा c माइनस b कॉमन होगा, तो यहां पे तो b माइनस c लाना है, तो यहीं पे चेंज कर लेते हैं हम, b माइनस c लिख लेते हैं यहां पे। जब b माइनस सी लिखेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या? जीरो वन और यहाँ पे मिल जाएगा a प्लस बी, ये a प्लस बी a माइनस बी देगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और आपका ये वन ये b और ये b स्क्वायर देगा। यहाँ पे देखो मैंने b माइनस सी बाहर निकाला है, तो c माइनस बी को b माइनस सी बनाओगे तो माइनस कॉमन करोगे और यहाँ पे माइनस कॉमन करोगे तो ये आपका मिल जाएगा b प्लस सी, ये तो होगा, देख लो। यानी यहां पे मिल गया हमें जीरो। अब देखो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को सबट्रैक्ट करूं, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दूं, यानी R1 goes to R2, R1 goes to R1 is equal to R1 plus में R3 कर रहा हूं, R1 goes to R1 plus में R3, देखो क्या मिलेगा हमारे पास A minus B और आपको B minus C मिल गया बेटा, this इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जीरो, ये भी जीरो, और a प्लस बी माइनस में b माइनस में c करोगे आपको मिल जाएगा a माइनस c, r1 और r3 को ऐड करोगे तो क्या मिला हमें 1 b और यहां पे मिल गया b स्क्वायर, जीरो माइनस वन माइनस में a प्लस सॉरी b प्लस c, यहां पे बेटा आपका b प्लस c, ठीक है b प्लस c, ये हमारा b प्लस c, ठीक है डन। अब देखो यहां से फिर ए माइनस सी कॉमन कर लो, देखो हमारी सारी चीजें आ जाएगी हमारी, तो ए माइनस बी
और यहाँ पे बी माइनस सी, यहाँ पे सी माइनस सी कॉमन कर लो, जब सी माइनस सी कॉमन करोगे जीरो जीरो ये माइनस वन हो जाएगा, ये वन बी और ये बी स्क्वायर, जीरो माइनस वन और माइनस में बी प्लस सी। अब देखो इस रो के अकॉर्डिंग क्या कर दो, सॉल्व कर दो, ये देखो प्लस माइनस प्लस होगा ये, यानी हमें यही प्रूफ करना था ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो माइनस वन इंटू ये रो जाएगा ये कॉलम, ये इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस में जीरो, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, और हमारा ये प्रूफ हो गया ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस जीरो इक्वल टू कितना दिस, ठीक प्रूफ हो गया आपका। Then, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आठवां था, तो देखो आठवें में भी यही करना था आपका, और आठवें का फर्स्ट तो मैंने करवा दिया आपको, सेकंड यही करना है सेम, सेकंड में भी a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फंडा यही करना है, लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन में सेम यही करना है आपको, सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ पे x x स्क्वायर y z दे रखा हुआ है, y y स्क्वायर y z दे रखा हुआ है, तो पहले x माइनस वाई निकालो फिर y माइनस जेड निकालो, आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ही करना है, r1 r2 r2 r3। आगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में एक ही चीज बार बार रिपीट हुई है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे कि जब किसी भी डिटरमिनेंट में एक ही चीज बार बार रिपीट हो तो आपको करना क्या होगा कि उसमें सबको एड कर दो, ठीक है, लिख लिया इसको, देखो 10th क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा हूं आपको, 10 आपका क्या है बेटा कि x प्लस फोर टू एक्स और प्लस में आपका 2x है, दूसरा क्या दे रखा हुआ है 2x x प्लस फोर और आपका 2x, दूसरा दे रखा हुआ है 2x 2x x प्लस फोर 2x 2x और x प्लस फोर, तो यहां पे एक बात देखो, हर जगह आपको x x 2 2 और 4 4 मिल रहा है ना, तो हमें प्रूफ करना है 5x plus 4, देख लो अगर 5x plus 4 प्रूफ करना है तो क्या r1 को रिप्लेस कर सकते हैं r1 plus r2 plus r3, तो देखो इन तीनों को जब ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा ऊपर 5x plus 4, यहां पे भी मिल जाएगा 5x plus 4 और यहां पे भी मिल जाएगा आपको 5x plus 4, तीनों जगह तीनों को ऐड करोगे, बाकी सबको एडिटिव लिखो 2x x plus 4 and 2x, दूसरा क्या हमारे पास 2x 2x आपका x plus 4, अब देखो ऊपर से 5x plus 4 कॉमन कर सकते हो, ऊपर से यहां से 5x plus 4 कॉमन कर सकते हो, तो आपको 3 1 मिल जाएगा, जब कॉमन करोगे 3 1 मिलेंगे, और जब 3 1 मिल गए तो क्या करेंगे 2 को 0 बना लो और फिर एक्सपेंड कर लो, खत्म, ये छोड़ रहा हूं यहाँ पे, तो मैं कॉमन कर रहा हूं, देखो यहाँ पे 5x plus 4 मैंने कॉमन कर दिया 1 1 1, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x plus 4, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x और यहाँ पे x plus 4, अब बेटा 2 2 1 मिल गया, 0 बना लो, c2 में से c1 को सबट्रैक्ट कर दो, c3 में से c1 को सबट्रैक्ट कर दो, आपकी वैल्यू 0 बन जाएगी दोनों, और पहले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो, नहीं क्लियर हुआ पक्का, यानी c2 में से c1 और c3 में से c2, बाकी कर लोगे तो आपका अलग अलग जो इसमें मल्टीप्लिकेशन में वो आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी यही करना है, 10th का सेकंड, तीनों को ऐड करना है, चौथा 11th, देखो 11th का फर्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, वैसे 11th का फर्स्ट मैंने करवाया तो भाई इसकी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस, ठीक है मैंने करवाया था, कोई नहीं, देख लो आपको 11th का फर्स्ट गिवन है, क्या गिवन है बेटा कि a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी 2a 2a, यानी आपका 2a गिवन है और आपका 2a गिवन है, ठीक है, दूसरा दे रखा हुआ है 2b b माइनस सी माइनस a, 2b b माइनस सी माइनस a और आपका यहां पे 2b, अब अगला दे रखा हुआ है आपको 2c, ये 2c 2c c माइनस ए माइनस बी, आपको c माइनस ए माइनस बी गिवन है, अब देखो हमें प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्लियर,
अब देखो हर जगह एबीसी है ना, तो पहला काम यही करो कि इनको ऐड करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर पहले ऐड करते हो तो देखो, अगर मैं R1, R2, R3 को ऐड कर दूं, तो यहाँ पे प्लस टू भी है, एक भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एक भी बचेगा। यहाँ पे आपका 2C है, अगर दो यहाँ पे माइनस सी है तो 2C में से 1C जाएगा तो आपका 1 बचेगा। तो पहला कांड यही कर दो आप यहाँ पे कि R1 goes to R1 plus R2 plus R3, ठीक है। जब आप इसको करोगे बेटा, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको ऊपर मिल जाएगा A+B+C। वही काम यहाँ पे करोगे तो आपको मिल जाएगा A+B+C, और वही काम यहाँ पे करोगे तो आपको मिल जाएगा A+B+C। कोई दिक्कत नहीं ना, ये आपका सी है। आगे देखो बाकी सब चीजें जितनी लिखो, 2B B-C-A और हमारा मिल गया 2D। यहाँ पे मिल गया 2C, आपका 2C C-A-B। कोई दिक्कत? अब देखो ऊपर से A+B+C आप कॉमन कर लो, जब A+B+C आप कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा क्या, मैं देखना यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1, 2B B-C-A और आपको मिल गया 2B, यहाँ पे मिल गया 2C और C-A-B। अब आपको 3 1 फिर मिल गए, 2 को 0 बनाते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप 2 को 0 बनाओगे तो इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे, तो हम C2 में से C1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं और C3 में से भी C1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो 2 कर रहे हैं, C2 goes to C2-C1 और C3 goes to C3-C1। Any doubt? नहीं ना। अब देखो कितना मिला हमारे पास, A+B+C मिल गया आपको। यहाँ पे करोगे तो पहला तो एडिटिव रहेगा आपका 1, 2B और 2C, पहला हमारा एडिटिव रहेगा। दूसरा आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो हम माइनस कॉमन करके बाहर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैं माइनस करूंगा बेटा तो ये 0 आएगा, ये वाला एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास 0। इसमें से सबट्रैक्ट करूंगा कि ये B-C-A माइनस भी हो जाएगा आपका, तो ये मिल जाएगा -C-A-B और ये दोनों आपस में सबट्रैक्ट होंगे, क्या मिल जाएंगे 0। बात समझ में आई? ये करेंगे तो हमें मिलेगा 0, ठीक। ये इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हमें मिल जाएगा 0, और जब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -A -B and -C। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो ये A+B+C मिलेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे A+B+C, यानी इस कॉलम में से भी निकाल सकते हैं और इस रो कॉलम में से। यहाँ पे लिख रहे हैं टेकिंग कॉमन A+B+C from C1 and C2, sorry C2 and C3, C3 and C2 कर, ठीक है। C3 और C2 में से मैं क्या कॉमन कर रहा हूं बेटा, A+B+C। देखो यहां से निकलेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यहां से निकलेगा तो क्यूब हो जाएगा, यानी हमारा मिल गया बेटा A+B+C का होल क्यूब। क्या मिला हमारे पास, 1, 2B, 2C, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, 0, ये 0, 0 और -1। हम देखो इसमें भी 2 0, इसमें भी 2, किसी भी रो को लेके सॉल्व कर लो, फर्स्ट रो को ले लो आसान होगा आपका। जब फर्स्ट रो को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A+B+C का जो फुल क्यूब बचेगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 × में ये रो ये कॉलम, ये दोनों मिल गया -0, यानी कितना आ गया हमारे पास A+B+C का होल क्यूब। फिर से देखो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे, ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, तो ये बचेगा -1 -1, कितना आ गया +1 +1, माइनस में 0, तो यानी 1 - 0 लिख दिया मैंने, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर वैल्यू निकाल लिया।
लिख लो इसको, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। इसी तरह आपको 11th का सेकंड पार्ट है, सेम एज इट इज, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूं उसके बाद, 12 आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और बता के फिर भाई थोड़ा सा क्लास में छोटी करनी पड़ेगी, बच्चों की डिमांड है, क्योंकि वो एक घंटे देख नहीं पा रहे हैं। हो गया, कोई नहीं, आदत पढ़ा दूंगा मैं, अभी नहीं, वैसे सेलफोन इतना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी आदत इनकी पड़ जाएगी। हो गया, चलो जब पढ़ाएंगे तीन तीन घंटे ना, बिठा दो इसको। हो गया, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आपका फर्स्ट पार्ट है, 12 क्वेश्चन है, 12 इंपॉर्टेंट है ये भी बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, 12 में गिवन है आपको 1x x square, आपको x square 1 x गिवन है और x x square 1 गिवन, और आपको प्रूफ करना है बेटा इज इक्वल टू 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर। पहले तो हम इसके मतलब समझते हैं आखिर वास्तव में ये दिया क्या है। तो आप देखोगे 1 माइनस x क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो, यानी आपको ये गिवन है बेटा 1 माइनस x और 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर, भाई a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। तो आपको ये पेयर ढूंढना है, पूरे डिटरमिनेंट में ये पेयर ढूंढना है। अगर इस तरह के हमें दो पेयर मिल जाएंगे तो हमारी ये वैल्यू आसानी से आ जाएगी, क्लियर। यानी ये चीज हमें ढूंढनी है। अब देखो ये ढूंढने के लिए करेंगे क्या, यहां पे 1 माइनस x चाहिए तो हमें वहां से 1 माइनस x लाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है सर 1 माइनस x आएगा कहां से, देखो अगर मैं R1 में से R2 को सबट्रैक्ट कर दूं, भाई कोई भी कर दो आएगा उतना ही। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि R1 goes to R1 माइनस में R2, क्लियर। अभी मैं एक कर रहा हूं, करना तो दो कर सकता हूं लेकिन एक ही कर रहा हूं समझाने के लिए। देखो R1 में से R2 सबट्रैक्ट करोगे तो यहां मिलेगा 1 माइनस x स्क्वायर, यहां पे मिलेगा बेटा x माइनस 1 और यहां पे मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस में x, क्लियर। फिर क्या मिल जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर 1 और यहां पे x, यहां पे मिलेगा x x स्क्वायर और ये 1 मिल जाएगा, क्लियर। तो देखोगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है और ये 1 माइनस x करने के लिए माइनस कॉमन करेंगे और यहां पे तो आपका आसानी से माइनस कॉमन करके 1 माइनस x मिल जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो देखो क्या मिल रहा है यहां पे, अगर मैं 1 माइनस x कॉमन कर रहा हूं ऊपर से तो यहां पे मिलेगा 1 प्लस x, यहां पे मिलेगा हमें 1 प्लस x, यहां पे आओगे तो मिलेगा माइनस 1 और यहां पे आप कॉमन करोगे बेटा तो आपको मिलेगा माइनस में x। देख लो यहां पे मिल गया x स्क्वायर, यहां पे मिल गया 1 और यहां पे मिल गया x, यहां पे मिल गया x, यहां पे x स्क्वायर और यहां पे मिल गया 1, यही तो मिला, बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, आप देखो यहां पे हमें मिल रहा है 2 जीरो, यहां पे सबट्रैक्ट करोगे तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा, भाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं R1 goes to R1 plus में R2, R1 goes to R1 plus में R2, जब R1 plus में R2 करूंगा तो ये मिल जाएगा 1 plus x plus में x square 0 and 0। देख लो बेटा यहां पे मिलेगा x square 1 और यहां पे मिल जाएगा x और यहां पे मिल जाएगा x x square और 1 और ये हमारा 1 माइनस x तो इसके साथ है ही, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 माइनस x। देखो ऊपर से आपका 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर कॉमन कर ले रहे, क्लियर। जब हम कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे मिल जाएगा 1, ये x स्क्वायर, ये x, ये 0, ये 1 और ये x स्क्वायर, ये 0, ये x और ये 1, यहां पे मिल गया हमारे पास 1 माइनस x
और ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में वन। यानी एक पेयर तो वन माइनस एक्स क्यूब का मिल गया, अभी एक हमें ढूंढना है। अब देखो अगर मैं एक और ढूंढना चाहूं तो हम इन तीनों को ऐड भी कर देंगे तब भी आ जाएगा, अगर नहीं ऐड कर रहे हैं तो और सिंपल करते हैं, बिठा दो इसको। देखो हमें वन माइनस एक्स क्यूब का होल क्यूब होल स्क्वायर लाना है। अब देखो आर टू को पकड़ लो, आर टू को जब आर टू को आप सब्ट्रैक्ट करोगे आर थ्री में से, यानी आर टू गोज टू आर टू माइनस में आर थ्री, आर टू में से आर थ्री को जब सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, ये तो मैं इस चीज को डायरेक्ट लिख रहा हूं वन माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि वो फार्मूला बन गया दिस, ठीक है। इस वाले पूरे टर्म को वन माइनस एक्स क्यूब लिख दिया मैंने, यहां पे मिला हमारे पास वन जीरो जीरो, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां पे मिल जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे मिल जाएगा बेटा एक्स माइनस वन। क्लियर, ये वैल्यू आ गई एक्स एक्स स्क्वायर एंड वन, कोई दिक्कत। यहां से हम वन माइनस एक्स कॉमन करने की कोशिश करेंगे सेकेंड रो से, जब सेकेंड रो से वन माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो ये वन माइनस एक्स क्यूब, यहां से वन माइनस एक्स कॉमन करेंगे। क्यों वन माइनस एक्स कॉमन कर रहे हैं, रीजन की हमें वन क्यूब और एक्स क्यूब का फार्मूला बनाना है। देखो यहां पे जब कॉमन करेंगे बेटा तो ये वन जीरो जीरो होगा, यहां पे कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स, देख लो माइनस एक्स मिलेगा ना, एक्स कॉमन करोगे तो ये एक्स माइनस वन ब्रैकेट बचेगा, माइनस कॉमन करोगे तो माइनस एक्स, यहां पे मिल जाएगा वन प्लस एक्स और यहां पे मिल जाएगा माइनस वन, तो आपको मिल गया एक्स एक्स स्क्वायर और वन, देख लो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं बेटा यहां पे दिस। अब देखो क्या अगर मैं आर वन और आर टू को ऐड कर दूं इस वाली चीज को, या तो फिर एक्सपेंशन ही कर दो यहां पे, डायरेक्ट क्या कर दे एक्सपेंशन कर दो, दो जीरो मिला हुआ है तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं। देखो क्या मिला हमारे पास वन माइनस एक्स क्यूब और वन माइनस एक्स, जब इसको एक्सपेंशन करोगे तो ये रो जाएगा ये कॉलम जाएगा, ये रो ये कॉलम, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा वन प्लस एक्स माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस, यानी ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यानी आपको मिल गया वन माइनस में एक्स क्यूब और यहां पे मिल गया वन माइनस एक्स, और ये भी हमारा मिल गया वन एक्स स्क्वायर, या फिर वन लिख लो बेटा वन प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स, और ये आपके टर्म मिलके एक्स क्यूब बन गया आपको, यानी आपको मिल गया वन एक्स क्यूब और इन टू में वन एक्स क्यूब, जब दोनों का स्क्वायर कर लोगे बेस सेम है, ये वन माइनस एक्स क्यूब की पावर टू, दैट्स ऑल, यही आपको प्रूफ करना है। तो अगर आप ये जानोगे नहीं क्या चीज लिखी हुई है तो आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते, बिकॉज क्या कॉमन लेना आपको ये पता ही नहीं है, समझ पाए, तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ये सब चीजें आप थोड़ी बहुत छोटी जाना करो कि आखिर चीजें क्या प्रूफ करनी है क्या लानी है, डन। तो बस आज इतना ही करवाते, बाकी कल इसके बाकी क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन ये दिक्कत हो जाएगी बच्चों।